गाइस कैसे हो, आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से एक बार आगे आप लोग के लिए, भाई काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सुपर बाइक राजू पे कब दिखाने वाले, बाइक्स को कब दिखा रहे हो। तो भाई लेकर आगे एक से कलेक्शन आज सुपर बाइक्स, प्रीमियम बाइक्स, जो बाइक्स कह लो भाई, नॉर्मल बुलेट दिखाएंगे भाई, 90s की आपको बुलेट भी दिखाएंगे, एक से कलेक्शन आपको दिखाने वाले भाई। देख लो इतने एक से, यहाँ पे देखो CBR लगी हुई है, उसके बाद कवासाकी की निंजा लगी हुई है, R3 लगी हुई है, R15 आपको यहाँ पे दिख जाएगी भाई, एक से एक आपको कलेक्शन देखने को मिलने वाली है। ये देख लो भाई, ये ब्यूटी है, ये जिक्सर्स भाई, एक से एक KTM लवर जो है उनके लिए KTM भी लगी हुई है, R15 ये वाली बाइक देखो भाई, हार्ले डेविडसन की ब्लैक ब्यूटी लगी हुई है। इसके अलावा भाई इस साइड में देखो, इसके बाद इस साइड में देख लो इंटरसेप्टर 650 लगी हुई है भाई, बेनेली की बाइक भाई। तो एक से कलेक्शन आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले, जो कि काफी ज्यादा आप लोगों को भाई मजा आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं सबसे पहले सम्राट भैया से। तो भैया कैसे हैं, नमस्कार। ब्रूम बाइक में हम फिर से एक बार आ गए, ब्रूम मोटर्स में, और कलेक्शन जरा बताइए, एक से वैरायटी कहाँ से लेकर आते हैं आप हर बार? सर हम आप लोगों का प्यार है जो लेके आता है ये सब चीजें, और क्या कुछ नहीं सर। सही बात है। तो ये बुलेट भी आप बोल रहे थे कब का, एक पुराने वाले लेकर आए? सर ये 1990s का मॉडल है। 1990s का, अरे क्या बात है भाई। और इसकी खास बात क्या है, मैं बात है ना कि दोनों चीज जरा बता दो भाई, क्या है उस साइड में? सर ये फुल्ली कस्टमाइज्ड मॉडल है अभी फिलहाल के लिए, जो एकदम नॉर्मल क्लासिक वे से मॉडिफाई किया हुआ है। इसमें आपको जो आफ्टर मार्केट चीज मिल जाएगा, जैसा कि आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएगा। अलॉय व्हील्स मिल जाएगा जी, अलॉय व्हील्स है। फिर इसके साथ जो आपको मतलब सिंगल सेल्फ स्टार्ट आपको मिल जाएगा, सिंगल आपको इसमें सेल्फ कभी भी नहीं मिलता था उस टाइम, बिल्कुल सेल्फ नहीं मिलता। लाइफ टाइम टैक्स मिल जाएगा आपको, लाइफ टाइम टैक्स भी है। हाँ, आपको सामने में डिस्क भी है जिसके लिए ब्रेकिंग भी बहुत अच्छा है इसका। अभी सब कुछ आपको ऑल ओवर आपको ये बना हुआ बाइक है। मतलब खास बात भाई, आपको ये मतलब ये यूनिक पीस होता है जो हर बार नहीं मिलता। हाँ, राइट साइड गियर, राइट साइड इसका सिस्टम्स है, किक वगैरह सब कुछ राइट साइड में है पूरा, मतलब सिंगल सेल्फ और सिंगल किक में ये स्टार्ट गाड़ी है। कुछ मिल जाएगा सिर्फ मेरे पास जो भी प्राइस है इसका, मेरे पास अभी जो भी है 1,25,000 पास मेरा प्राइस है। 1,25,000 जी। और इसके साथ अगर कस्टमर आप चाहते हैं तो एड ऑन होके वो चेंजेस हो जाएगा। मतलब 1,00,000 कितना बताया आपने प्राइस? 1,25,000 आपके लिए है, मतलब एकदम जो फुल कस्टमाइज्ड है विद ऑल द पेपर्स इंक्लूडेड। इसके बाद ये KTM भी देख लेते हैं भाई। अब मैं आपको बोल देता हूँ, इसमें लगभग आप अगर हिसाब करने जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिकली वाइज और मैकेनिकली वाइज मोटा मोटी 1.5 लाख के आसपास खर्चा किया हुआ है। 1.5 लाख के आसपास खर्चा किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको मतलब ये बाइक आपको पुराना कोई फील नहीं देगा पुराना भाई। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ये कूड़ा का भाव में जो बाइक होना चाहिए वो बाइक का इतना प्राइस मांग रहे हैं। देखिए ये चीज बहुत डिलिबरेट है, ठीक है। एक एक बाइक जो भी है, जो मॉडल्स पसंद करते हैं, जिनका शौक होते हैं कि सिर्फ यही वाला जो स्पेसिफाइड मॉडल्स पसंद करते हैं उन लोग के लिए ये सब बाइक्स है। ये जो बाइक है ये सिंगल पीस बाइक है। ऐसा बाइक अगर आप लाके दिखा देंगे तो आप जो भी बोलेगा हम मानने के लिए तैयार रहेंगे ये सेगमेंट में। राइट, तो ये मतलब आप इसका पेपर वगैरह भी ओके चला सकते हैं? ओके है, 100% फोर्थ ओनर बाइक है ये। क्या बात है भाई, सारा पेपर्स अपडेटेड है, सारा पेपर अप टू डेट एकदम। की प्राइस तो अपने बता ही दिया, आप लोगों ने भी जान लिया, बाकी तो ओवर द कॉल आप कुछ ना कुछ भाई कर ही दोगे? नहीं, और कुछ नहीं होगा, कुछ कर नहीं, ये सिर्फ आपके लिए। मेरा आस्किंग प्राइस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, 1,60,000 वैसे ही आसपास है इसका, 155 के आसपास है। हाँ, छोड़ने वाला प्राइस भैया ने बताया, एकदम एकदम दिल खुश करने वाला। एक बार चलाएंगे ना तो सब BS4 BS6 सब भूल जाएंगे इसका जो फील है। वाह जबरदस्त। तो इसके बाद कौन सा, ये वाली या वो कौन सी? कावासाकी Z800 और ये RC200, ये दोनों बुक हो गया है। दोनों बुक हो गया। RC200 नेक्स्ट वीक फिर से आने वाला है, इसको हम लोग जरूर कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द। ये वाली भी बुक हो गई ना, ये भी नई वाली है क्या? ये भी नया वाला एकदम मॉडल था, 2023 का जनवरी का था। अब इसके बाद हम आ जाते अगली बाइक की तरफ, ये सब भी सोल्ड लेके? नहीं सर, अभी है ये सब, अभी स्टॉक पे है, स्टिल अवेलेबल है सर। ये वाली जानते हैं सर, 2 सिलेंडर में इंटरसेप्टर 650, ये बहुत मतलब स्मूथ बाइक है फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, बहुत प्रीमियम बाइक फील देता है ये। अब लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत कंफर्टेबल भी है। 650 है भाई, वाह भाई। इसका ये देखो इंजन वगैरह देखो, वाह। डुअल चैनल ABS के साथ आती है। अच्छा। ये कलर भी आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी कलर है, बहुत कलर भाई। अब मतलब कलर देखो, जो व्हाइट के साथ ये जो स्टेपिंग किया हुआ है ना रेड के, वाह ये गजब की लग रही है। और इसके साथ इस साइड में ब्लैक में, इसका साथ जो भी है, इसका स्टॉक गाड़ी है, इसमें कुछ आफ्टर मार्केट गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारा सर्विस हिस्ट्री मेंटेन्ड है, गाड़ी में सर्विस कराने का कुछ भी जरूरत नहीं है। मेरे पास से जो एकदम बेस्ट प्राइस है मेरा तरफ से आपके लिए, वो है सिर्फ और सिर्फ 2,30,000। 2,30,000 एकदम, 2,30,000 में आपको इंटरसेप्टर 650 मिल जाती, जो कि नए में क्या प्राइस है? नया में आपको 3.5 लाख का
ऊपर ही मिलेगा, ऊपर ही मिलेगा जो भी है, हाँ 3.5 लाख के ऊपर आपको ये बाइक, आपको पूरा निश्चिंत होकर आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये वाले बेनेली, ये बेनेली इम्पीरियल 400 है, हाँ 400 ये भी बहुत स्मूथ बाइक है। ये आप देख सकते हैं कि इसका कंडीशन भी बहुत प्यारा है, ठीक है। ये मेरे तरफ से जो इसका बेस्ट के लिए हो पाएगा, बेस्ट प्राइस हो पाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ 1,65,000 में ये ब्लैक वाली गाड़ी आपको मिल जाएगी, बेनेली इम्पीरियल 400। अब ये दो गाड़ी जाननी, अब दो बाइक यहाँ पे है, ये R15 जी, ये R15 वर्जन 3 है, ये 2018 का लास्ट का साइड का मॉडल है, 18 की लास्ट की, दिसंबर की है, नवंबर का है सर, फर्स्ट ओनर का ये बाइक है। अच्छा। कंडीशन बहुत प्यारा है, मेरा तरफ से जो बेस्ट प्राइस हो पाएगा सर वो सिर्फ और सिर्फ 1,15,000 में R15 आपको मिल रही है भाई, नए में 60-70 के ऊपर। देखिए गाड़ी तो बहुत मिलता है, लेकिन आप ये गाड़ी को घुमा के दिखा सकते हैं कैमरा में, आप टायर जो आता है सस्ता वाला आता है, ठीक है, इसमें अपोलो का महंगा वाला टायर फिट किया हुआ है, मोटा भी है पीछे दोनों का, ठीक है। और आप देख लीजिए साइलेंसर कवर से लेके सामने विंडशील्ड से लेके सब कुछ में कोई स्क्रैचेस नहीं है। गाड़ी तो सबको ही बेचते हैं सर, लेकिन क्वालिटी गाड़ी भी एक मैटर करता है बेचना, ठीक है। 1,15,000 में आप निश्चिंत होके आप बाइक घर ले जाओ, सर्विसिंग भी कराने का जरूरत नहीं है। अब इसके बाद इसके बगल में जो जिक्सर SF क्या है ये? ये सर जिक्सर SF 250 है, 250 हाँ, ये 2020 का ही मॉडल है। हाँ। आप देख सकते हैं कंडीशन भी इसका बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, और कोई स्क्रैचेस इसका हार्डली होगा कोई पूरा बाइक में। ये मेरे तरफ से जो एकदम बेस्ट प्राइस हो पाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 1,05,000 में, एकदम 1,05,000 में, 250 cc ले जाओ भाई, और 2020 का, 20 का एकदम गजब के 250 cc। अब इसके बाद एक यहाँ पे हार्ले डेविडसन देखते हैं, जो कि इसका भाई फीचर्स एक अलग ही टाइप्स का है यहाँ पे। ये स्ट्रीट 750 है, आप देख सकते हैं इसका जो ऑल ओवर, इसका जो मतलब इसमें चैन नहीं रहता है, और रबर बेल्ट बेल्ट ड्रिवन है ये, आपको इसमें कोई आपको चेंज पॉकेट का कोई मेंटेनेंस का मेंटेनेंस खर्चा नहीं है, झमेला नहीं है। इसमें आफ्टर मार्केट फुट पेग्स भी लगा हुआ है, जो आरामदायक सफर के लिए बहुत अच्छा है। गाड़ी सर्विस हिस्ट्री मेंटेन भी है, और सिर्फ 7,600 क्या बात है भाई, ये देखो भाई सिर्फ 7,600 चला हुआ है गाड़ी। तो गाड़ी आप देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम कंडीशन में, क्या है एयर फिल्टर है क्या वहाँ पे? ये एयर फिल्टर है, ये एयर फिल्टर का हम लोग का सर्विसिंग चल रहा है, तो उसका एग्जॉस्ट का कवर खुला हुआ है, तो एवरीथिंग इज, आप देख सकते हैं हम लोग जो भी देते हैं ना एकदम आपको कुछ मतलब आफ्टर मार्केट का कुछ आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ये 70,000 का अप्रॉक्सीमेटली इसका एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, एग्जॉस्ट देखिए भाई एक बार, तो आपको सब कुछ आपको ऐसे ही आपको मिल जाएगा, मतलब डिस्काउंट में आपको मतलब पकड़ लीजिए ना सब कुछ आपको एकदम बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा, क्योंकि आपको नया का जो भी प्राइस है उसके साथ कंपेरिजन करके मतलब अभी फायदा नहीं है। नया जो भी मिल रहा है अभी फ्रॉम हार्ले डेविडसन वो इतना भी हायर सीसी का नहीं है, 400 या 500 सीसी के आसपास लॉन्चिंग हो रहा है, right. तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 2,45,000 में मिल जाएगा, 2,45,000 750 cc, 2,50,000 एकदम आप मिल जाएगा पूरा प्रीमियम कंडीशन। अब ये वाली जरा बताइए 650 कावासाकी का, सर ये कावासाकी निंजा 650 है, इसमें भी एक्रापोविक का ओरिजिनल एग्जॉस्ट फिट किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसका कंडीशन बहुत ही मतलब टॉप नॉच कंडीशन में है। ये मतलब ये क्या है, मतलब कलर जो है मतलब पॉलिश वगैरह है या क्या, क्यों क्यों चमक रही इतनी भाई? सर आप देख सकते हैं इसका जो मेंटेन है, मेंटेन कलर भाई इतना यूनिक लग रहा है, बहुत अलग है ना, ब्लैक भी नहीं लग रहा है, ब्राउन लग रहा है हल्का, नाइट ग्रे टाइप का कलर है सर, आप देख सकते हैं इसका बहुत, इसका फिनिशिंग और इसका जो ओवरऑल इसका जो लुक है इस पे लोग मरते हैं, और इसका परफॉर्मेंस तो छोड़ ही देते हैं। तो आप इसका फ्रेम स्लाइडर्स और ये सब जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है, आपको सब कुछ आफ्टर मार्केट ये सब एक्स्ट्रा ही ऐसे ही मिल रहा है, और गाड़ी का जो प्राइस है सिर्फ का ये देखो भाई कहाँ पे है, मतलब अलग ही डिजाइन है, ये अंडरबेली एग्जॉस्ट है सर, ओरिजिनल एक्रापोविक का है, इसका ज्यादा लाउड तो नहीं है, लेकिन एक आरामदायक सफर के लिए बहुत ही खूबसूरत इसका आवाज है। तो इसकी प्राइस क्या बताया आपने सर? इसका सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 499,000 एकदम सर, 499 में ये वाली आपको मिल जाएगी का निंजा 650 सर, 2020 की है एकदम सर। अब इसके बाद आ जाती है ये वाली गाड़ी की तरफ, बेनेली जी सर, ये बेनेली 600 GT, ये इनलाइन 4 स्वीट इंजन फ्रॉम बेनेली, इसका आप देख सकते हैं कंडीशन भी बहुत प्यारा है, सिर्फ 1500 किलोमीटर के आसपास चला हुआ है। अच्छा। ये गाड़ी मैंने पहले भी बेचा है, मेरे पास पहले भी था ये। अच्छा। अभी ये गाड़ी सेकंड ओनर में है। अच्छा। और मैं इसको बेच रहा हूँ आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 3,99,000 में, 399 में एकदम सर, 399 फोर सिलेंडर आपको 20 का रजिस्ट्रेशन, बीस का रजिस्ट्रेशन हाँ, आप ले जाओ सिर्फ
1500 किलोमीटर चला हुआ, मतलब ऐसा स्वीटेस्ट कंडीशन में ऐसा कम चला हुआ गाड़ी आपको शायद ही मतलब मिल जाए, ठीक है, मिल सकता है, मैं कुछ चैलेंज नहीं करूँगा, लेकिन मेरा एंड से जितना हो सकता है बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने का हम लोग करते हैं सर। सर इसके बाद ये भाई गजब की लग रही है ये वाली भी बाइक, ब्लैक ब्लू का एक ही बाइक है सर रजिस्ट्रेशन में डब्ल्यू पी का, ये GSX S 1000 है। 1000 जी सर, सीसी है क्या? जी सर, ये लिटिल क्लास बाइक में आ जाती है। इसका कंडीशन भी आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है, और इंजन कार्ड वगैरह और बाकी का स्कॉर्पियन का एग्जॉस्ट वगैरह सब कुछ आफ्टर मार्केट से है इसमें। को जो एकदम मेरा तरफ से जो बेस्ट प्राइस है आपके लिए वो सिर्फ और सिर्फ 6,98,000। 698 एकदम सर, 698 में 1000 वाली गाड़ी आपको मिल जाएगी, 1000 सीसी वाली सुजुकी का, सुजुकी मारुति नहीं सुजुकी एकदम सर, सुजुकी का जो भूसा बनाती है सुजुकी, तो इसमें भी बहुत सारा पार्ट्स ऐसे भी लगे हुए जो भूसा में भी लगती है, तो आपको ये गाड़ी एकदम ड्यूरेबल, 3 मोड्स भी आते हैं इसमें, आपको मोड्स के साथ भी चला सकते हैं, आप टायर वगैरह देख सकते हैं, सब कुछ मतलब नीट एंड क्लीन पूरा कंडीशन में आपको मिल जाएगा, भूसा वाली फीलिंग दिलाएगी आपको चलाओगे तो। अब आते हैं आगे, दो बाइक और है यहाँ पे, ये इंटरसेप्टर 650 फिर से आ गई क्या? एक और थी ना वहाँ जी, ये इंटरसेप्टर 650 है, ये भी बहुत प्यारा कंडीशन में है, ये 2020 का मॉडल है, आप देख सकते हैं इसका ऑल ओवर जो कंडीशन है बहुत ही प्यारा है, ठीक है, आप रेड कलर जिसको पसंद होता है वो ये देख सकते हैं, इसका एक मतलब एक स्क्रैच भी मतलब ढूंढना मुश्किल है, इस टाइप का इसका कंडीशन है, तो अब मेरा तरफ से जो मेरा बेस्ट प्राइस है उससे भी 1000 कम, 2,29,000 एकदम, 2,29,000 में 650 आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद ये वाली गाड़ी कावासाकी का कौन सी है? 900 जी, ये कावासाकी का Z 900 है, पूरा गाड़ी स्टॉक कंडीशन में है, पूरा सर्विस हिस्ट्री भी मेंटेन्ड है, एवरी सर्विस मेंटेन्ड है, घर में जा जाके इसका सर्विस हुआ है, घर में जा जाके कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर यहाँ पे रहता नहीं है, NRI कस्टमर है, कस्टमर के घर में जा जाके सर्विस हिस्ट्री इसका मेंटेन्ड है, 750 किलोमीटर चला हुआ है 2018 से, 750 जी, क्या बोल रहे हैं आप, चला हुआ है 7,500 नहीं 750 अभी तक, 750 भी नहीं हुआ उसका, अंदर में है विद सर्विस हिस्ट्री है, दोनों चाबी आपको देख के आपको लुक समझ में आ जाएगा कि चाबी ज्यादा देर तक अंदर में इग्निशन में घुसा भी नहीं है, तो उस हिसाब से कंडीशन है गाड़ी का। आपको मेरे तरफ से जो बेस्ट प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 799,000 एकदम सर, 799 में ये कावासाकी की जेड मिल जाएगी 900 750 चला हुआ। वैसे मेरे पास Z 900 और भी है, और भी है। हाँ, अच्छा, जिसका प्राइस मतलब मेरे पास अभी सिर्फ 7,00,000 के आसपास ही है, लेकिन ये जो कंडीशन है ये प्रिस्टाइन है, मतलब ये ऑलमोस्ट न्यू है, न्यू है, जबरदस्त। अब आगे चलते हैं भाई, मतलब ऐसी बाइक कहाँ मिलेगी, एकदम नई बाइक है भाई, 700 भी नहीं चली है गाड़ी, और क्या बोले। इसके बारे में भी तो जान लिए, ये वाली जानते फिर। ये भी सर बहुत स्वीट इनलाइन 4 है, ये CBR जी, ये होंडा का तरफ से आता है, ये 600 cc में बहुत ही प्रीमियम बाइक है, ये क्या बात है भाई, ये भी गजब की लग रही है। हाँ, बहुत गजब की बाइक है सर, आपको ये विद फ्रेम स्लाइडर्स मिल जाएगा, दोनों इसका टायर्स इसका ब्रांड न्यू लगे हुए हैं, आपको इसमें लेके कोई भी आपको खर्चा कराने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये मेरा तरफ से जो मेरा बेस्ट प्राइस आप बोले या फिर मेरा जो प्राइस हो पाए वाला प्राइस है छोड़ने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ 5,99,000 एकदम, क्या बात है, 5,99,000 में होंडा की CBR 650 आपको मिल जाएंगी एफ। अब इसके बाद ये वाली गाड़ी कौन, इसको खाली कर लेते हैं, तो बातें एक और गाड़ी की तरफ जो कि है कावासाकी की, ये Z 900 BS6 मॉडल है, ये देख सकते हैं इसमें 1,50,000 रुपया का ऊपर आफ्टर मार्केट खर्चा किया हुआ, 1,50,000 के ऊपर आफ्टर मार्केट खर्चा किया हुआ है पूरा गाड़ी में, और कुछ कुछ हनीकॉम काम भी हुआ है, ये सब भी किया हुआ है क्या? गाड़ी का कंडीशन बहुत टॉप नॉच कंडीशन में है, 2021 का लास्ट का साइड का गाड़ी है, ये मेरा तरफ से जो एकदम बेस्ट प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 8,95,000 एकदम सर, 895 में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी Z 900 जिसका प्राइस लगभग 11,00,000 के आसपास है, 11,00,000 के आसपास की ये बाइक है एकदम। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग ये इनलाइन 2 में, बहुत ही प्यारा बाइक है, रेयर बाइक है, अभी तो फिलहाल कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है, इसलिए इसका सेकेंड हैंड मार्केट में मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है, बहुत लोग मुझे पूछ सकते हैं कि इसका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि भाई हम लोग को ही नहीं मिल रहा है ऐसा कंडीशन में कंडीशन, क्योंकि ये ABS मॉडल में आती है और ये बाइक कोई छोड़ना नहीं मांगता, ये कस्टमर जा रहा है बाहर इसलिए मेरे को मिला है। मेरा तरफ से जो मेरा बेस्ट प्राइस होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2,98,000
2022 का लास्ट का साइट का मॉडल है, यूजी मॉडल है, मतलब 5-6 महीना पुरानी है, 4 महीना 5 महीना सर वैसा ही आप पकड़ सकते हैं इसका, देख सकते हैं इसका चैसी का फ्रेम भी आप देख सकते हैं, स्टिकर भी है पूरा ऑल ओवर, साइलेंसर का एंड में भी कोई स्क्रैच नहीं है, फुल फ्रेश कंडीशन में है। जो मेरे तरफ से जो इसका जो बेस्ट प्राइस है नया का तो 2.5 के आसपास सुपर प्राइस है मेरे पास, 2,12,000 एकदम यूजी मॉडल आपको मिल जाएगा एकदम फुल मिंट कंडीशन में, फिक्स प्राइस भाई आपके लिए 2,12,000 एकदम सर। अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे निंजा, ये है निंजा 300, ये BS4 मॉडल है, BS4 है हाँ, इसका कंडीशन भी आप देख सकते हैं बहुत ही सुपर मिंट कंडीशन है। मेरा तरफ से जो इसका बेस्ट प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 269,000 फुल टॉप नॉच कंडीशन, टॉप नॉच कंडीशन में क्या बात है भाई। तो कलेक्शन आज का यही है ना, और भी बहुत सारा बाइक्स है सर, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, यहाँ पे और जगह नहीं है, हाँ तो गोडाउन में मेरे पास बहुत सारा और भी बाइक्स है, जो भी चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी मेरा तरफ से हो पाएगा मैं एकदम तुरंत आपको फीडबैक दे दूंगा। बहुत सही बात है। तो भैया के पास और भी गाड़ी है फिलहाल, ये जो गाड़ी है इसमें से अगर कोई आपको पसंद आता है तो कॉल करके इंक्वायरी कर ही सकते हैं एकदम सर, और फिनेंस भी अवेलेबल है, फिनेंस भी हो जाएगी ना जी, कोलकाता का अंदर में 80 किलोमीटर्स का अप्रोक्सीमेटली फिनेंस हो जाता है, और उससे बाहर जो भी रहता है उसका क्रेडिट कार्ड से या फिर दूसरा कोई ऑप्शन से कभी कभी हो पाता है, जिससे आप मतलब हाई प्रोफाइल होने से अपना खुद का बैंक से भी लोन हो जाता है। आप आके कोशिश करें, बाइक देखें, पसंद करें, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस बहुत है, आपको सोच समझ के सब कुछ डील करना है। तो हम लोग भी कोई भी बाइक देखने जाते हैं तो हम लोग को भी एक बार पसंद नहीं होता है, जाके चीज़ को देख के परोस के फिर ही डिसीजन लेना पड़ेगा, तो आप कोई भी तरीका से सोचिए मत, एक बार तकलीफ से आइए। ये दमदम सुरेर मार्ट में शोरूम है, आप व्रूम मोटर्स अगर टाइप करेंगे गूगल मैप में तो आपको एग्जैक्ट डोरस्टेप लोकेशन मिल जाएगा, और बाकी का नंबर तो है, आप फोन भी है। और भाई अच्छा लोकेशन क्या है ना, दमदम स्टेशन है, मेट्रो बोलो या रेलवे स्टेशन के एकदम जस्ट 1 किलोमीटर के 1-1.5 किलोमीटर के अंदर में ही है, आप फोन भी करेंगे तो आपको एड्रेस और अच्छा से समझा देंगे, और बाकी का आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, सब साथ रहे और स्वस्थ रहे, और ब्लॉग अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें। चलिए नमस्कार, ठीक है।